प्रार्थना शिविर लगाए जाते हैं, घर और मोह को छोड़ने की ट्रेनिंग है, और जो इस ट्रेनिंग में पास हो जाता है वो एक दिन दीक्षा की भावना भी बना लेता है। और भगवान की तपस्या एक दिन की नहीं है, पूर्व जन्म में कई जन्मों की तपस्या होती है। तो जब उन्हें आत्मिक शांति की पूर्ण अंदर में भावना जागती है और वैराग्य का निमित्त मिलता है, वो घर द्वार महल मकान सब छोड़ करके वो दीक्षा लेने वन में चले जाते हैं। तो संसार में रह करके पाप का बंध सुबह से लेके रात तक और सोते सोते सपनों में भी होता है। अब लोग कहते अरे भगवान हमने तो कोई ऐसा पाप किया ही नहीं है, ऐसा फल क्यों भोगना पड़ रहा है। जाने और अनजाने में ना जाने कितने पाप हो जाते हैं जिसका फल भोगना पड़ता है और प्रायश्चित तो करते नहीं है, प्रायश्चित करते नहीं है, पश्चाताप करते नहीं है, और जब फल भोगना पड़ता है तब याद आती है और तब भूल जाते हो कि हमने क्या किया था। तो दीक्षा का माध्यम, दीक्षा इसीलिए ली जाती है, दीक्षा एक संस्कार विधि है, बाकी दीक्षा तपस्या है। दीक्षा के बाद क्या कौन सा काल शुरू हो जाता है? तपस्या का काल शुरू हो जाता है। हमारे आचार्य देखो इतनी ठंड पड़ रही है, वस्त्र पहने क्या? अरे बोलिए ना। और आप घर से चले थे तो क्या क्या तैयारी करके लाए थे? अरे एक शॉल भी रख लो, एक ज्यादा रख लो, वहां खो गई तो साड़ी की मैचिंग की रख लो, हाँ अंदर की बनियान भी रख लो, पूजा में तो गर्म कपड़े पहनने नहीं देंगे तो अंदर वाली वो बिना ऊनी जो बनियान होती वो भी रख लो। अरे कान का भी रख लो, ढांकने का, कान में हवा लग गई तो। नाक का तो नहीं रख के लाए होगे? हाँ वो नाक में तो जरूरी है, इसको खोल के रखना ही पड़ता है, पूरा बंद कर लो मगर नाक को तो खोल के, नाक और आंख तो खोल के नहीं, मुंह भी, बिना मुंह के कैसे काम चलेगा? मौन हो तो चल जाएगा, वैसे नहीं चलने वाला है। अब इतनी ठंड में आचार्य श्री कोई वस्त्र नहीं पहने। यदि आपको यहाँ ठंड ज्यादा लग जाए तो आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? अरे बोलिए ना, आएगा। अरे माता जी ने तो ऐसे समय में रखा है पंचकल्याणक कि इतनी ठंड पड़ रही है, अब लोग आए तो कैसे आए, और आ भी गए हैं तो देखो यहाँ ठंड में सुकड़े जा रहे हैं, और यहाँ कोई व्यवस्था भी नहीं। व्यवस्था तो उकाली की भी करवा रखी है, ऐसी बात नहीं है। हाँ उकाली की भी स्टॉल लगवा रखी, ठंड लगे तो जाओ उकाली पियो, व्यवस्था सारी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दिमाग में टेंशन। मुझसे नहीं कहोगे, पड़ोसी से कहोगे, फोन में बात करोगे उनसे कहोगे, घर वालों से कहोगे, यानी तुम चुप रहने वाले नहीं हो, तुम्हें जरा सी ठंड लग जाए तुम सबको ठंडा कर दोगे। अब तपस्या नाम किसका है मैं ये बताना चाहती हूँ। तपस्या नाम है कि ठंड लग भी रही है और मन शांत है, इसका नाम है तपस्या। और इस साधना को करने के लिए दीक्षा ली जाती है, और इस साधना को करने से कर्मों की निर्जरा होती है, पाप का नाश होता है और पुण्य का बंध होता है, और जो पुण्य का बंध होता है वो आगे पुण्य में कारण बनता है, आगे मोक्ष मार्ग में कारण बनता है। आपको ठंड लग रही है, आपको गर्मी लग रही है, आपको परेशानी हो रही है, काय क्लेश नाम का एक तप है, उसका मतलब क्या है? ये काय क्लेश, काया को कष्ट देना है, काया को कष्ट देना, क्यों दिया जा रहा है काया को कष्ट? गर्मी के दिन है पहाड़ पे चले जाते हैं तपस्या करने, सर्दी के दिन है नदी के किनारे खड़े हो जाते हैं, बारिश का मौसम है पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं, क्यों? इसीलिए कि उतने कष्ट होने के बाद भी मेरा मन शांत रहता है कि नहीं रहता है। दीक्षा लेकर स्वयं की परीक्षा लेते हैं, संसार तो सदा दूसरों की परीक्षा लेता है, लेकिन जो दीक्षा लेता है वो स्वयं की परीक्षा के लिए लेता है। मेरी बात आपकी समझ में आ गई? आपको यहाँ रहकर कोई कष्ट तो नहीं है? आपको कोई खाने पीने में दिक्कत तो नहीं है? बहुत अच्छी व्यवस्था है। अच्छा, और ठंड वंड तो नहीं लग रही आपको? पंडित जी को कोई ठंड वंड तो नहीं लगी?
नहीं अब तो कह ही नहीं सकते, आज तो दीक्षा का दिन है। ढाई दिन तो आपने अपने खूब मौज किए, गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, आज के बाद से आपका दिन नहीं है, आज के बाद से आचार्यश्री का दिन है। अब भगवान आचार्यश्री के पास पहुंच जाएंगे, अभी तक तो आपके पास में थे। आपने खूब बधाइयां गाई, खूब नृत्य किए, अब देखो वैराग्य का दृश्य। क्यों राग से वैराग्य की ओर जाता है? राग में क्या है और वैराग्य में क्या है? बस 100 की सीधी बात केवल एक है कि याद नहीं आना सबसे बड़ा सुख है। जो सारे दिन टेंशन करते ना, वो सुन लें दुनिया भर की बातें निकाल कर दिमाग से, और ये सोच लें अब वर्तमान में तो आप अपने मन को खाली नहीं रख सकते हो, तो आत्मा परमात्मा स्वाध्याय जाप, इसके माध्यम से मन को प्रशस्त बना सकते हैं। और मनुष्य पर्याय मिली है, कौन सी पर्याय, कौन सा शरीर मिला है, कितनी तरह की योनियां होती हैं, 84 लाख होती हैं, कितनी तरह की गाड़ियां होती हैं, सबसे अच्छी गाड़ी कौन सी होती है, नाम बताओ जल्दी से, PWM, क्या नाम, नाम तो मुझे पता नहीं है, PMW, मैंने उल्टा बोल दिया, हाँ PMW सबसे बढ़िया गाड़ी है आज की, अरे बोलिए ना। अब मैं गाड़ियों के विषय में जानती नहीं हूँ, किसी से सुन लिया था, अरे वो ना, फिर भूल गई, PWM, PMW, DMW, अब कोई भी डब्लू बब्लू कुछ भी कर लो आप। तो सबसे अच्छी गाड़ी आपकी दृष्टि में वो है, यदि आपको वो गाड़ी मिल जाए तो आप क्या करेंगे, बोलिए। आपको यदि वो गाड़ी मिल जाती है तो आप उस गाड़ी में बैठ करके समय शिखर जाओगे या शिमला घूमने के लिए जाओगे? समय शिखर जी, कितने लोग समय शिखर जी जाएंगे, हाथ उठाना जरा, DMW में बैठ के, हाँ हाथ उठाना, देखो नीचे वालों के हाथ नहीं उठे हैं, लगता है ये और कहीं जाएंगे, हाँ यहाँ वाले समय शिखर जी जाओगे ना, हैं? अच्छा समय शिखर जी, हमारे जेसी जैन जी कह रहे स्वस्ति धाम आएंगे, बहुत बढ़िया, कम से कम याद तो आया, हम जहां रहते वहां की तो याद ही नहीं रहती हमें, ठीक है। तो अब आप समय शिखर जी चले गए, अब उसके बाद कहां जाओगे? अब गाड़ी में 24 घंटे रहना है, गाड़ी 1 सेकंड भी चले बिना रह नहीं सकती है, अब कहां जाओगे? अब थोड़ा अपने घूमने घामने भी जाएंगे, अब ऐसी थोड़ी बात है, गाड़ी मिली तो सारे दिन तीर्थ ही थोड़ी करेंगे, और यही तो दिक्कत है। 84 लाख योनियों में ये मनुष्य पर्याय तुम्हारी सबसे अच्छी गाड़ी है, और इस गाड़ी में बैठकर यदि संसार की तरफ चले गए तो भ्रमण की तरफ हो जाएगा, वरना ये गाड़ी आपको मोक्ष भी ले जा सकती है, इतनी ताकत है इस गाड़ी के अंदर। यदि इस गाड़ी से आप चाहो तो अपनी मंजिल मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो, मगर आपने अपनी मंजिल तो कुछ और बना रखी है, मुझे इंजीनियर बनना है, मंजिल पूरी हो गई, मुझे डॉक्टर बनना है, मंजिल पूरी हो गई, मुझे CA बनना है, मंजिल पूरी हो गई, और इससे ज्यादा कोई चाह है ही नहीं है। आत्मा परमात्मा यदि याद आ जाए तो ध्यान रखना जीवन का कल्याण हो जाएगा, और इस गाड़ी से मंजिल में पहुंचने का, इसी गाड़ी से ही मिलती है मोक्ष में, और कोई गाड़ी नहीं है संसार में, मनुष्य पर्याय ही है, और उसमें भी पुरुष पर्याय। यहां कितने पुरुष बैठे, हाथ उठाना जरा, बहुत सारे बैठे हुए हैं, ओ हो, इतने सारे, आपके प्रतिमा वगैरह तो होंगी, कुछ नियम धर्म कुछ तो होंगे, ओहो गाड़ी मिली भी है और यात्रा संसार की कर रहे हो, और यदि अभी यात्रा मोक्ष की करोगे तो गाड़ी इससे बढ़िया वाली मिलेगी और आगे बढ़ने के लिए, फिर और करोगे और आगे बढ़ने के लिए और अच्छी गाड़ी मिलेगी, और यदि इस जन्म से अच्छी जगह हम नहीं गए, धर्म में इसे नहीं लगाया, संसार में लगाया, तो इसे छोटी वाली गाड़ी मिलेगी। अब आपको देख लेना आपको कहां जाना है,
वैसा काम कर लेना। इस पंच कल्याणक में आए हो, दीक्षा कल्याणक का दिन है आज, दीक्षा के समय देखना। और यहाँ एक बहन जी, क्या नाम है, गुड़िया दीदी, अल्पना दीदी, और उनके आरिका दीक्षा के भाव हुए हैं, आचार्य श्री का आशीर्वाद मिला है और सब दीदियों की शुभकामनाएं मिली हैं। और वो यहाँ पर 13 तारीख को दोपहर में उनकी दीक्षा यहाँ पर होगी। और जब तक यदि किसी और के भाव हो ना, तो पर्ची भेज दो, आज घोषणा कर देंगे, बिनौली निकलवा देंगे और उनकी दीक्षा हो जाएगी। बिनौली भी निकलेगी, आपको अच्छी तरह से करवाएंगे, धूमधाम से करवाएंगे आपकी। भाव हो तो बता देना। अब पंचकल्याणक तो 7 तारीख तक है, 7 तारीख से 20 तारीख तक भगवान का महामस्तकाभिषेक है। ऐसे बहुत से लोग होंगे जो ये कहते हैं, अरे हम तो भीड़ भाड़ में नहीं जाएंगे, तो वो लोग सब महामस्तकाभिषेक में आए। भीड़ तो रहेगी मगर उतनी नहीं रहेगी, हैं? तो वो लोग सब महामस्तकाभिषेक में, कुछ लोग तैयारी भी कर रहे होंगे, अरे हम पंच कल्याणक में नहीं, हम तो महामस्तकाभिषेक में जाएंगे। तो जब भगवान जहाज मंदिर में विराजमान हो जाएंगे, उसके बाद जो अभिषेक का प्रारंभ होगा वहां पर, वो आप लोगों के द्वारा होगा। क्या बात, ताली किस बात की बजाई है? आप लोगों के द्वारा, हाँ हम, तारीफ हो गई, आपके द्वारा होगा, तारीफ हो गई, बहुत बढ़िया। तो बंधुओं, आज दीक्षा कल्याणक के दिन सभी लोग एक एक नियम भी लेकर के जाएंगे कि भगवान जैसी दीक्षा आपने ली थी, आप इस जन्म में भले ना ले पाओ, लेकिन भावना भाने में कहीं भी पैसा नहीं लग रहा, और भावना भाने में कहीं भी कोई कष्ट शरीर को नहीं हो रहा है। भावना भवनाशिनी और भावना भववर्धिनी, भावना भाव तो भव का नाश होता है, और भावना भाव तो भाव की वृद्धि होती है। जैसी भावना भावोगे वैसा हो जाएगा। और दीक्षा वगैरह लेनी हो तो आचार्य श्री को निवेदन कर देना। है क्या किसी की भावना? भावना पूछ रही, लेने की नहीं पूछ रही, हाँ भावना पूछ रही हूं। हैं? ओहो, हमारे महेंद्र कासल जी कह रहे हमें मिल सकती है क्या? चलो एक एक के भाव तो बने। भावना, भावना वाले यहाँ लाइन में कई लगे हुए हैं, मगर सबकी जिम्मेवारियां हैं, अभी जिम्मेवारी पूरी कर लें, उसके बाद आप आगे बढ़े, है ना। और जिन्होंने यहाँ पर 24वीं में प्रतिमा विराजमान की, शिखर में प्रतिमा विराजमान की, वेदी बनवाई, शिखर बनवाया, मूल वेदी के बाजू वाली वेदी बनवाई, प्रतिमा विराजमान की, सहस्कूट आदि में प्रतिमा विराजमान की है, और किसी ने मानस्तंभ बनवाया, बालेश्वरी हरिद्वार वालों की तरफ से मानस्तंभ बना, और जौहरीलाल जी की तरफ से आहारशाला और भोजनशाला बनी। कुछ सिंहद्वार के पुण्यार्चक हैं, कुछ पुण्यार्चक ऐसे हैं जिन्होंने मंदिर का शिलान्यास किया, किसी ने यात्री निवास का शिलान्यास किया। मंदिर का शिलान्यास भी मुझे 2 बार करना पड़ा, क्योंकि एक बार करवाने के बाद बहुत लंबा टाइम हो गया था, और पंडित जी की ने बताया था कि 3 महीने तक यदि काम शुरू ना हो तो फिर शिलान्यास दोबारा करवाना पड़ता है। तो पहला शिलान्यास तो नैनवा वालों जय कुमार ने किया था, और दूसरा शिलान्यास जेसी जैन जी ने किया था, है? तो इस तरह से बहुत सारे पुण्यार्जक हैं जिनका पुण्य यहाँ लगा हुआ है। क्या लगा है? अरे बोलिए ना, पुण्य लगा है। किसी ने कमरा बनवाया, किसी ने फर्श बनवाया है, किसी ने, अब मुझे नहीं पता कि कहाँ से आ रहे थे और कहाँ से बन रहा था, आता गया और जाता गया। और सबसे बड़ी एक बहुत अच्छी बात बताऊं, जो एक ही यहाँ, क्या नाम है उनका, यशपाल जी हैं, वो एक दिन मेरे पास आए, बोले माता जी आप ऐसा करो कि शनिवारी योजना चलवा दो, ऐसी ऐसी कि हर शनिवार को 100 रुपये निकालें
और 108 शनिवार करें और एक बार चालीसा पढ़ें और एक माला फेरें। मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगी। मैंने वो प्रैक्टिकल करके देखा, लोग बड़ी जल्दी जल्दी तैयार होने लगे और मात्र शनिवारी योजना से महिलाओं ने करोड़ों रुपए इकट्ठे करके दिए हैं। हाँ भाई, अकेले 100 रुपए निकालना अलग बात है, पहले चालीसा पढ़ो, फिर माला फेरो, फिर 100 रुपए डालो, वो रुपया भी मंत्रित हो गया। हुआ कि नहीं हुआ है? किसी ने तन से, किसी ने मन से, किसी ने धन से, किसी ने अनुमोदना करके, हर तरह से जिस जिसने भी यहाँ पर इस तीर्थ को बनने में अपना सहयोग किया है, उनको सबको मेरी शुभकामनाएं हैं, आशीर्वाद है, उनके लिए मेरी भावनाएं हैं। और जो यहाँ की कमेटी है, जिसने तन मन धन से मेहनत की है, उन सबके लिए, और जो पंच कल्याणक कमेटी है उनके लिए भी, आपकी है कि नहीं, आप भी उन सबको धन्यवाद। मिल जाए, पहचानते हो तो जरूर देना। अरे बोलिए ना, कैसे करोगे? पीठ ठोंक देना, वाह भाई साहब बहुत अच्छा काम किया आपने। करोगे कि नहीं करोगे? कौन कौन करेगा? अरे हाथ उठाइए ना, करोगे? अब ये माइक बहुत अच्छा चल रहा है, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही कि नहीं? तो इसमें सहयोग किसने किया? साउंड वाले ने। पंडाल कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है? राजमहल, अनीता दीदी कह रही है राजमहल जैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है राजमहल में बैठे, गोल्डन, अति सुंदर शब्द लोगों की तरफ से आ रहे हैं। तो जो पंडाल वाले हैं, जिसने इस कार्य को पूर्ण समर्पित भाव से किया है, वो भी जैन है, अभिजीत जैन, रात दिन एक करके, और ये करीब 30 दिन में तैयार करके दिया उसने, 30 बल्कि 20 ही दिन समझ लो, 30-20 दिन समझ लो, हाँ 20-30 दिन में सारे कमरे, सारे ये, मैं खुद देखने आती थी कि कहीं कोई कमी ना रह जाए। अब आपको कोई कमी लगी हो तो मुझे पता नहीं है। अच्छा लगा? बहुत बढ़िया बात है। तो और सबसे बड़ी बात है कि इसमें आचार्य श्री का आशीर्वाद, वहां से किरणें आ रही थीं और यहाँ काम हो रहा था, हैं? मुनि सूरतनाथ भगवान की कृपा बरस रही थी और काम हो रहा था। आचार्य विनीत सागर महाराज जी भी, उन्होंने भी अपना आशीर्वाद भेजा। मैंने कहा आचार्य श्री आप भी आए। एक निवेदन पर आचार्य श्री ने स्वीकृति दी और महावीर जी में थे, मुझे लग रहा था इतनी जल्दी कैसे आ पाएंगे, हैं कितना चलना पड़ेगा, ठंड का मौसम है, लेकिन आचार्य श्री ने स्वीकृति देने के बाद तुरंत वहां से बिहार किया और मेरे ख्याल से 2 दिन पहले ही आ गए, देवली में विराजमान रहे, प्रवेश फिर पूरे संघ का एक साथ ही हुआ था, है ना? तो मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही ठीक है, छोड़ने में इच्छा का और नहीं मांगने में भिक्षा का, और भगवान की दीक्षा का, करने में जप का, बसी के साथ कप का, और आज कल्याणक में तप का, सलाइयों में सूजा का, मिठाइयों में गूजा का, और भगवान के पंच कल्याणक की पूजा का। बहुत से लोग ऐसे हैं जो पूजा में इंद्रानी बन के बैठे हैं, और बहुत से ऐसे हैं जो नहीं भी बैठे हैं, वो भी भगवान के पंच कल्याणक की पूजा कर रहे हैं, और कुछ तो घर में बैठ के देख रहे हैं। बहुत से लोग देख रहे हैं। स्वर्ग में इंद्र का, करने में जय जिनेन्द्र का, और बनने में यहां पर इंद्र का,
आज स्वधर्मेंद्र चांदी के सिक्के लेकर आया, बोले माता जी सब इंद्रों को देना, जो आपको जो भी लगे, जिसको भी लगे, आप जिसको चाहे उनको दें। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है, यानी सब अंदर से प्रसन्न है। इसका मतलब क्या है? सब अंदर से प्रसन्न है। तो बस ये प्रसन्नता और ये शांति ही इस पंच कल्याणक का सबसे बड़ा लक्ष्य है और इसका फल है। और हमारी सब दीदियां यहां पर बैठी हैं, इनका भी बड़ा सहयोग है। गणनी आई का संगमती माता जी भी एक छोटे से निवेदन पर पधारी। लक्ष्मी भूषण माता जी 300 किलोमीटर चल के आई। तो सब ने तपस्या की है इस पंच कल्याणक के लिए, लेकिन आप नहीं कर रहे हो। अरे बोलिए ना, अभी भैया जी कह रहे थे आप जाप नहीं करते हो। हाँ, जाप जो भी मंत्र दिया जा रहा है और जितनी मालाएं कही जा रही हैं और जितने भावों से कही जा रही हैं, उतनी मालाएं जरूर फेरे। कौन कौन नहीं फेरेगा वो हाथ उठा दे, कौन कौन फेरेगा वो हाथ उठा दे। जो पंच कल्याणक में नहीं भी बैठे हैं वो भी जाप कर सकते हैं। जो आज आकर घर चले जाएंगे वो घर में भी कर सकते हैं। जो टीवी पर देख रहे हैं वो भी कर सकते हैं। जाप करने में कहीं किसी की मनाही नहीं है। इंद्र रानी को अवश्य करना है और बाकी लोग जितनी चाहें कर सकते हैं। जल्दी जल्दी हाथ उठाए, मैं पीछे वालों को देख रही हूँ। जरा कैमरा वहां घुमा देना। हाँ, मैं यहाँ यहाँ स्क्रीन पर देख लूंगी। बहुत बढ़िया। पुरुष हाथ नहीं उठाते जाप करने में, इनसे जाप नहीं होती है, इनका मन स्थिर नहीं होता है। सबको मालाएं जरूर करनी है, हैं? कपड़ों के नाप का, अग्नि के ताप का और करने में जाप का। रोटी में घी का, हरियाणा में जी का, और आए इतने सारे पंडित जी का, बहुत अच्छा लग रहा है। पंडित जी का भी पूरा यहाँ विद्वान सम्मेलन चल रहा है, है? नारियल में गिरी का, सामान मिलने में फ्री का, और मंच पर बैठे आचार्य श्री का। बोलिए 24वां भगवान की। हेलो हेलो, पूज्य गुरु माँ की मंगलमय दिव्य देशना। और बंधुओं, आज तप कल्याणक का पावन दिन, देश में बस्ती का और पशुओं में हस्ती का और पंच कल्याणक में जहाजपुर में स्वस्ति का बड़ा ही महत्व है। और मैं नोट करूंगा। देखिए, आज विशेष रूप से हमारे बीच में कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, दीक्षा का प्रसंग है, अभी पूज्य श्री का पात्र प्रक्षालन होना है, दीप प्रज्वलन होना है, और उसके पश्चात शरद जी हमारे बीच में आए हैं दिल्ली से। शरद भाई साहब आ जाए, मंच पर आ जाए, भैया एक चेयर दे दे उनके लिए। और जो आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज सरक उद्धारक कहलाते हैं, उसके लिए उनकी पूरी टीम आई है। योगेश भैया, अनिल भैया दिल्ली सब लोग आए हैं। और अभी माता जी ने कहा है कि हाँ, दीक्षा इच्छाओं का दमन हम करते हैं, इच्छाओं का शमन त्यागी करते हैं। हम दमन करते हैं, वो शमन कर लेते हैं, शांत कर देते हैं। और स्थान इच्छाओं का बमन मुनिश्री करते हैं, और इच्छाओं का दहन अरहंत भगवान करते हैं। इसलिए ये प्रक्रिया जो चल रही है, दमन की, शमन की, बमन की और दहन की, इस पंचकांड में आप देख रहे हैं विशेष आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। उन आयामों में पूज्य स्वस्ति भूषण माता जी का तो अरमान है ही, जहाजपुर की पूरी कमेटी और शुभकामना परिवार, जिसे माता जी ने यहां सालों से पोषित किया है, वह पुष्पित पल्लवित हो रहा है। ऐसे
उस परिवार के माध्यम से यहाँ नहीं आपको बैठना, अभी आपको मैं अनुरोध कर रहा हूँ भानु भैया से, भानु भैया सिकदा शिविर की शुरू कराएं और आइंदा दीदी आएंगी और वह आज के प्रक्रिया शुरू करें और आज की दीक्षार्थी अल्पना दीदी गुड़िया दीदी आचार्य श्री के श्री चरणों में शिविर समाप्त करके दीक्षा हेतु निवेदन करेंगी। आ जाएं दीदी और हम जोरदार ताली के साथ कदर धोने के साथ जीवन के किसी भी पल सब में मीठी तालियों के साथ वैराग्य उपज सकता है। संसार में रह कर प्राणी संसार को तज सकता है। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है। संसार में रह कर प्राणी संसार को तज सकता है। आई दीदी और पूरी भावना के साथ आने वाली 13 फरवरी को जिनकी दीक्षा होगी आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज उनको श्रीपल भेंट करके आशीर्वाद प्राप्त कर रही है दीक्षार्थी बहन अनीता दीदी। अल्पना दीदी गुड़िया दीदी अल्पना अल्पना दीदी सॉरी अल्पना दीदी और पूरा सौभाग्य यह जीवन में पुनर्जन्म जितने दीदंकर 19 दीदंकर का जिसने जन्म हुआ उसी दीक्षा हुई है और हमारे अंतर्समति महाराज भी शिविर भेंट कर रही हैं निवेदन करें आप और शुल्लिका माता अंतर्समति महाराज भी शिविर भेंट कर रही हैं पूज्य श्री किसी चरणों में अर्घ दीक्षा के लिए और भिक्षा देखिए कभी बैठ जाए वहां बहने जो घड़ी बैठ जाए माता जी बैठ जाइए आप लोग और आ रही हैं भानु भैया तो क्या शुरू करें क्योंकि हम चाहते हैं पूरा देश देख रहा है पूरा विदेश देख रहा है कि स्वच्छता में क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। हमारे भैया दो इवेंट वाले दो वॉलंटियर सामने आ जाए रोज बोलना पड़ता आप लोगों से आप यहाँ ड्यूटी आपकी 5 लोग ड्यूटी लगाइए आप राजा जी रोज भूलना ना पड़े ध्यान रखिए आप यहाँ बैठेंगे 2 लोग मंच पर कोई ऊपर नहीं आएगा थोड़ा सिकता करें माता जी समय अपने गति से चल रहा है हम समय के साथ चल रहे हैं और हम उसी भावना के साथ आगे बढ़ेंगे। पूज्य आचार्य ज्ञान सागर जी पूज्य आचार्य श्री विनीत सागर जी पूज्य आचार्य शुभ सागर जी आप सोच रहे होंगे कि इन महाराजों का प्रवचन हमें सुनने को नहीं मिला। कल कल दोपहर में पूज्य संगमती माता जी माता जी आचार्य श्री मुशीबत सागर जी आचार्य श्री विनीत सागर जी हम सबका उपदेश सुनेंगे क्योंकि कल हम अंतरंग क्रिया भी करेंगे और बहिरंग बात भी चलेगी इसलिए पूरे संघ का हमें सौभाग्य प्राप्त होगा और उनके अनुभव उनकी अनुभूति प्रत्येक अनुभूति अपनी अपनी होती है उस अनुभूति को बांटते हुए मैं भानु भैया शुरू करें आप प्लीज कराइए चित्र अनावरण दिव्यजन और पात्र क्षण हाँ करें बोली करेंगे ना हाँ नितिन भैया जी आ जाए थोड़ा नितिन भैया जी आज का पात्र क्षण विशेष है आज विशेष इसलिए क्योंकि आज ही राग से वैराग्य हो जाएंगे दीक्षा की प्रतिक्रिया होगी और जो हमारे गुरुभक्त आए हैं आज गुरुभक्तों का सौभाग्य है आज और आज जिन्होंने दीप प्रज्वलन का सौभाग्य प्राप्त किया है वो तैयार रहेंगे श्री राजकुमार जी महावीर जड़ी बूटी वाले शिवपुरी और इनके साथ में पंच कल्याणक समिति के सभी पदाधिकारी यहाँ रहेंगे। होमड़ परिवार मुंबई से अनिल जी कानपुर वाले और आचार्य श्री के जो भक्त आए हैं दिल्ली से योगेश जी अनिल जी राकेश जी और शरद जी आप सभी दीप प्रज्वलन करेंगे। उससे पहले आचार्य श्री के चरणों का प्रक्षालन करने का महासौभाग्य आज तप कल्याणक के शुभ अवसर पर एक परिवार का चयन करना है कौन सौभाग्यशाली पात्र होगा बंधु जिनके चरण और आचरण
दोनों पवित्र है। ऐसे चरणों का प्रक्षालन करके हम अपने आचरण का प्रक्षालन करें, हमने हम अपने आचरण को शुद्ध करें। ऐसे ज्ञान के हिमालय हमारे समक्ष विराजमान है। तीन तीन आचार्य संघ यहाँ पर है, आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज, आचार्य श्री विनीत सागर जी महाराज, आचार्य श्री सूरज सागर जी महाराज, उपाध्याय है, मुनि है, एक चतुर्विध संघ यहाँ पर है। उनके चरणों का प्रक्षालन करने का सौभाग्य कौन प्राप्त करेगा? बोली प्रारंभ कर रहा हूँ। और आज संयम का दिन है, तप का दिन है। कैसे हमारे आचार्य मुनिराज तप साधना करते हुए अपने रत्नात्रय का पालन करते हुए इस हम सबको सुशोभित करते हैं। ऐसे परम पावन दिन के लिए कौन सौभाग्यशाली पुरुष होगा जो आचार्य त्रय आचार्यों के चरणों के पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा? बोली प्रारंभ करें। 51,551 रुपया गुरुवर तेरे चरणों की पग धूल जो मिल जाए, चरणों की रज पाकर तकदीर बदल जाए। 51,551 रुपए और बोली जा रही है 51,551 रुपए। 1, 2, 2.5 सोच लीजिएगा भाई, अंतिम मौका। बंधुओं कुछ दिन शेष है पंच कल्याणक में पूरा होने में। आज तप कल्याणक का दिन, कल और परसों ज्ञान कल्याणक और परसों मोक्ष कल्याणक हो जाएगा। और इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव में फिर आप चाहेंगे कि हमें आचार्य श्री का चरणों का प्रक्षालन करने का सौभाग्य मिले, तो फिर वो मौका हाथ से निकल जाएगा। तो आज ये मौका आपके हाथ में है। 51,551 राष्ट्र संत जिन्होंने न जाने कितने सराखों का उद्धार किया, कल उस सराख हमारे बीच में पधारे थे, ऐसे जिनके वो राम कहे जाते हैं, और न जाने कितनी प्रतिष्ठाएं कल्याणक और आपके माध्यम से लोगों को कल्याण को प्राप्त हुए। ऐसे परम पूज्य आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज के पाद प्रक्षालन, त्रय आचार्य विनीत सागर जी, सुबह सागर जी महाराज के पाद प्रक्षालन के सौभाग्य मिलने जा रहा है 51,551 रुपया। देखिए बहुत ही सौभाग्य का अवसर है, यह अवसर दोबारा मिलने वाला नहीं है। और आज तो तप कल्याणक का दिन है, और जिस तप साधना से सुसज्जित हमारे आचार्य हैं, इन आचार्यों के चरणों का पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य मिलने जा रहा है, और विशेष आशीर्वाद आपको उनका प्राप्त होगा। सीखा सीख अपने भावों को प्रगाढ़ करें। 51,551 और बोली जा रही, हाँ राम भैया 51,551। ओ ध्याने मन ध्याने गुरुवर के गुण गाने, ध्याने मन ध्याने गुरुवर के गुण गाने, गुरुवर बरदानी गुरुवर बरदानी, सबके संकट टाले, ध्याने मन ध्याने गुरुवर के गुण गाने। और लीजिए समय हो चुका है, और आज ये जो सौभाग्य मिलने जा रहा है आचार्य श्री के जो भक्त यहाँ पर आए हैं दिल्ली वाले, उन्हीं को ये सौभाग्य दे रहे हैं। बोली नहीं लगा रहा हूँ, समय हो चुका है। और पहले चित्र अनावरण दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित है, जिन जिनका मैंने नाम लिया था वो आ जाए। श्री राजकुमार जी महावीर जड़ी बूटी वाले शिवपुरी, और आएगा पंच कल्याणक समिति के सभी पदाधिकारी वहां पहुंचे दीप प्रज्वलन करने के लिए। और आप सभी को एक सूचना, और उमड़ परिवार मुंबई से अनिल जी कानपुर वाले, योगेश जी दिल्ली, अनिल जी और राकेश जी।